आज एक गरीब का लड़का सोशल मीडिया पे लाइव आता है। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, फेसबुक ही है हम लोग जैसे लोगों का आधार, जिस पे हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं अगर कोई अन्याय हो जाए तो। और उस पे भी वो बंदा आता है और अपनी बातों को रखता है। और वो वही लड़का था जिसके साथ कल बहुत ही गंदे सुलूक के साथ उसे पीटा गया, गाली दी गई और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। अन्याय इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का अपना सेक्शन है, धारा है। खेसारी लाल यादव जो कि एकदम सही जगह पे थे, हम खेसारी लाल यादव को गलत नहीं कह रहे हैं, वो एकदम कहे थे कि मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको कानून सजा दे। लेकिन हुआ क्या, उनको इनके लोग चले गए सजा देने, अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह और भी वहाँ पे दो चार आदमी थे जिसका नाम नहीं जान रहे हैं, वही लोगों ने पीटा था। मैं अखिलेश कश्यप को गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं मरा था, लेकिन दारू के ठेका पर बैठ के दूध तनाइए पियत रहा हो बाबू। खैर, उसको पीटा गया और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग गए। देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत नहीं है। आप अगर हमको पर्सनली जानते होंगे, भाई मेरा नाम राजन है, अगर आप हमको पर्सनली जानते होंगे तो आज से मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी किसी भी सुपरस्टार का ये नहीं किया है, हिनाई नहीं किया है और नहीं कहा है कि वो बहुत ख़राब है। और ना आज कह रहा हूँ, मैं एक न्यूज वाला हूँ, न्यूज पहुँचाता हूँ आप तक, मैं किसी के फ़ैन बाद में हूँ। जितने लोग थोड़े बहुत हमको फॉलो करते हैं उनको बताना मेरा काम है कि आखिर मामला हुआ क्या। पंकज सिंह के बहन का नाम था काजल, उसकी बहन है काजल और उसके फैमिली के रिलेशन में लगती है नीलू। एक ही घर में दो दो लड़की रहती है जिसका नाम काजल है, नीलू है और भोजपुरी के उतना बड़का सुपरस्टार जिसका गाना पूरा देश विदेश में सुना जाता है, विदेश में भी बजता है, उस सुपरस्टार ने नाम बेस गाना गा दिया। यहाँ तक कि कलुआ के माई तक पे गाना गा दिया। बिहार में बहुत सारे लोग जितने भी हमारे जैसे रंग के लोग होते हैं ना, उसको कलुआ कहा जाता है, गाँव में जो लोग रहता है सो, और उस पर आप गाना गाएँ। अब दिख तो नहीं रहा होगा सोशल मीडिया पे आपको, आ जाके इंटरनेट पे लिखेगा ना कल्लूगा तो भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू का नाम आएगा। लेकिन उस बंदे ने इग्नोर कर दिया कि के जाए तो कंट्रोवर्सी में पड़े, जाए तो बाबू गा दिला तो गा दिला, हमारा नहीं पड़ेगा झमेला में। लेकिन कब तक भाई, आप करो तो ठीक, दुनिया करे तो खराब। बड़ा बुरा लग रहा है। अब सुन रहे हैं कि सुधीर सिंह जो कि पहले भी खेसारी लाल यादव से पंगा वंगा कर चुके हैं, वो भी इस मामले में आ रहे हैं। देखिए, ये जितना भी मामला हो रहा है, जितना भी मामला है, ये सारे का ब्लेम खेसारी लाल यादव पे ही जा रहा है। देखिए, वो बंदा गलती नहीं किया है, ये बात मैं भी मानता हूँ, आप मेरे नज़रिया से देखने की कोशिश कीजिए, वो बंदा गलत नहीं है। वो बंदा अपने लाइव वीडियो में आके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख रहा हूँ कि जितने लोग गाली गलौज मार पीट जैसे सिचुएशन को सोशल मीडिया पे क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा मैं सज़ा दिलवाऊंगा। लेकिन गलती किसने किया, अखिलेश कश्यप ने। उसको बुलाया गया रेस्टोरेंट पे, उसको पीट दिया गया। अब से एक बात बताइए, हम हैं, आप हैं, हम जा रहे हैं, आपको लेके गए, हम जा रहे हैं किसी बड़े आदमी से बतियाने, थोड़ा तू तू मैं हो गया, आप फरसा से उसका नट्टी काट दीजिए, तो हम ही काट दिए हैं, काटे तो आप हैं, लेकिन बुलाया कौन ले गया था, हम ले गए थे, तो फंसेगा कौन, हम फंसेंगे। आज खेसारी लाल यादव का छवि इतना ज़्यादा खराब हो गया है, इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि जितने लोग पसंद करते थे वो भी आज उनके विरोध में बोल रहे हैं। तो इस सब का रीजन कौन है, इनके ये दो चार लोग जो इनके स्टार्डम पे आज बहुत गहरा संकट बन के खड़ा हुए हैं। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझिए और हर पहलू को देखिए और समझिए और फिर सोचिए कि आखिर एक्चुअल मामला क्या है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ये है मेरा सोशल मीडिया का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जितने लोग अगर पर्सनली हमसे बात या फिर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर हमको कुछ समझाना चाहते हैं कि चलो आज तुमको समझाते हैं, तो आगे समझा लीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी मन हो आपको। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।